हेलो फूडीज, होप आप सब ठीक होंगे। मैं ईशा एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ दमदार किचन में एक और गजब की रेसिपी के साथ। तो फिर चलिए रेसिपी एंजॉय करते हैं। अक्सर हमारा दिल कहता है कुछ बहुत टेस्टी और चटपटा सा खाओ, दिमाग कहता है हेल्दी खाओ, लेकिन घड़ी कहती है जल्दी बनाओ। तो परेशान ना हो, क्योंकि आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान है मेरी ये वाली रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए थे 250 ग्राम सफ़ेद मटर, जिसको रात भर पानी में भिगो दिया था और इसको अब मैंने वॉश कर लिया है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक प्रेशर कुकर में। मटर बहुत अच्छा सोर्स होती है फाइबर का और प्रोटीन का, तो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसको हमें करना है बॉयल, तो इसको हम एक सीटी आने तक हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे और फिर फ्लेम लो करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। मैंने इसमें एक छोटी चम्मच नमक और एक गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करके कुक होने देंगे, तब तक कि हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है एक प्याज, जिसको मैं बारीक कट कर रही हूँ, एक टमाटर, इसको भी हम छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, 4 हरी मिर्चें हैं इसको भी कट कर लिया है, और एक नींबू, डन। और ये देखिए हमारी जो मटर है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट कुक हुई है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मिक्सिंग बोल और इसमें मैं आधी से ज़्यादा क्वांटिटी मटर की ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस रेसिपी की बेस्ट बात यह है कि इसको आप हर खाने वाले की टेस्ट के हिसाब से इसका स्वाद चेंज कर सकते हैं। यानी कोई ज़्यादा तीखा पसंद करता हो, कोई ज़्यादा खट्टा खाता हो, या बच्चे हों जो थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके कंटेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर और साथ ही ये हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घर का जमा हुआ फ्रेश दही, ये ज़्यादा खट्टा नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें, नमक, काला नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार, और फ्रेश भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये जो सारे मसाले की क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी और तीखी वाली मटर के हिसाब से है, तो अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। और ये मिक्स हो गया है, इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो तो आप पहले से भी मटर को बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी खाना हो तो सारी चीज़ें मिक्स करके गर्म करके इसको खा सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ ये बारीक कटे हुए प्याज, सर्विंग से एग्जैक्टली पहले ऐसा करें, और साथ ही इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे खाने की शान, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए नींबू का रस लगा दी है, 2 हरी मिर्ची, और हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली मटर चटपटी वाली तैयार है। है ना हमारी सारी समस्याओं का समाधान? इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अच्छी लग जाए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इन्जॉय।